इंदौर इच्छापुर हाईवे पर रोज प्रतिदिन हो रही घटना दुर्घटनाओं को लेकर बड़वा नगर के एक समाज सेवी राकेश चौहान आज सनावत नगर में परसों के दिन हुई एक दुखद दुर्घटना इसी रोड पे उसी स्थान के सामने धरना देने के लिए बैठे हैं और उन्होंने शासन प्रशासन से मांग की है कि इस रोड को जल्द से जल्द चौड़ा किया जाए। उसी के साथ उन्होंने कुछ और मांगे अपनी की है, आइए उनसे बात करते हैं। ये जो इंदौर इच्छापुर रोड है इसके इस रोड पर सन 2016 से मध्य प्रदेश सरकार ने सहस्त्र पूर्व इस रोड को 33-33 फीट चौड़ा करने का आदेश किया था, जिसके अंतर्गत ओकारेश्वर जो है विश्व विख्यात ज्योतिर्लिंग है, तो सनावत और बड़वा दोनों इस प्रमुख रोड से लगे हुए नगर हैं। यहाँ पर 33-33 फीट रोड का चौड़ीकरण करना था। वर्तमान में इस रोड पर 2016 से लेके तो आज दिनांक तक लगभग आप मान के चलें कि हर थाना क्षेत्र में 70 से 80 मौतें हो चुकी हैं, सैकड़ों दुर्घटनाएं हो चुकी है। 17 थानों के अगर रिकॉर्ड देखें तो इस इंदौर से लेके इच्छापुर तक लगभग 1200 मौतें हो चुकी हैं। 17 थाने जो हैं इस क्षेत्र में लगते हैं। और अभी परसों यहाँ पर जो है ये सनावत शनि मंदिर घाटी है, यहाँ पर मेरी आंखों के सामने एक बहुत ही दर्दनाक दुर्घटना घटी है, उसके विरोध में आज मैं यहाँ पर एक दिन ही धरना दे रहा हूँ और शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि ये जो सनावत है यहाँ पर पाकुड़ नदी से, मेरी मांग है कि पाकुड़ नदी से लेकर तो रिलायंस पेट्रोल पंप तक इस रोड को 33-33 फीट अतिक्रमण हटाकर चौड़ा किया जाए। दूसरा, इस पाकुड़ नदी से लेकर तो ट्रिंगल तक ये जो रोड है इसकी बहुत ही दयनीय स्थिति में है ये रोड। यहाँ पर प्रतिदिन हर मिनट, हर घंटे, हर सेकंड गाड़ियों के निकलने के बाद धूल धुएँ का गुबार एक बनता है और आसपास के रहवासी क्षेत्रों को बीमार बना रहा है। तो इस रोड पर अतिशीघ्र डामरीकरण किया जाए। उसके अलावा इस रोड पर सन 2016 से वर्तमान दिनांक तक जितनी भी जगह पे जानलेवा दुर्घटनाएं हुई है उन दुर्घटनाओं के स्थानों को चिन्हित करें और नगरीय सीमा और ग्रामीण सीमा पंचायत सीमा क्षेत्र में उन जानलेवा स्थानों पर अतिशीघ्र गति अवरोधक का निर्माण करें शासन प्रशासन। और अगर शासन प्रशासन 15 दिवस में अगर ऐसा नहीं करता है तो मैं राकेश चौहान इस रोड से गुजर रहे हर थाना क्षेत्र पर प्रतिदिन एक दिवसीय धरना प्रारंभ करूँगा। तेज न्यूज की तेज खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।